नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे होटलों के कमरों में सफ़ेद बेडशीट ही क्यों बिछी रहती है, इसके बारे में हम आगे इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप जब भी कभी घूमने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में यही सवाल उठता है कि जहां जा रहे हैं वहां रहने की किस तरह की सुविधा है, घूमने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा है या फिर नहीं है। अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इन बातों का ध्यान देंगे। आज हम आपको आपके घूमने फिरने से जुड़ी हुई बातों को इस वीडियो में बताएंगे जिसका आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपने घूमने फिरने के दौरान कई होटल में रुके होंगे, कभी ज़्यादा पैसा या फिर कभी कम पैसे वाले रूम आपको मिले होंगे इस दौरान, लेकिन आपने कभी यह गौर किया है कि होटल की चादर जो कि बेड पर बिछा होता है यानी जिसे हम बेडशीट कहते हैं, उसका कलर सफ़ेद यानी कि उजला क्यों? आज हम इस पूरे वीडियो में आपको उस बेडशीट के बारे में बताने वाले हैं। अमूमन हम लोग सफ़ेद कपड़ा इसलिए भी नहीं खरीदते हैं क्योंकि वह गंदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होटल में जो बेडशीट मिलता है वह उजला ही क्यों होता है? यहाँ तक कि टॉवल भी उजला ही होता है। अमूमन होटल में बच्चे भी जाते ही हैं, उनसे खाने का सामान चादर पे यानी कि बेडशीट पे गिरता है जिससे कि दाग लग सकता है, लेकिन इसके बाद भी होटल में आपको सफ़ेद बेडशीट ही बिछा मिलता है। इसके पीछे जो तर्क है उसमें यह कहा जाता है कि एक कमरे में कोई टॉवल और चादर होते हैं, उन्हें एक साथ धोने में आसानी होती है, इन्हें एक साथ क्लोरीन में डुबाया जाता है यानी कि इसकी जो सफाई होती है वो क्लोरीन में की जाती है, और इसी दौरान जो है क्लोरीन की जो परत है यानी कि उस समय धोने के दौरान जो है एक तो बेडशीट और वो जो टॉवल है वो आसानी से साफ़ होता है क्लोरीन से, और दूसरा यह है कि जब हम उसको आसानी से धोते हैं तो उसमें से कपड़े से जो है क्लोरीन की मात्रा बाहर निकल जाती है और कपड़े पे जो है पुरानी वाली जो चमक थी यानी कि यूज करने से पहले जिस तरह की चमक यानी कि यूज करने से पहले जिस तरह की चमक हम उस बेडशीट या फिर टॉवल में देखते थे, वही चमक एक बार फिर से हमें उस बेडशीट में देखने को मिलती है। सफ़ेद देखने में लग्जरी लगता है यानी कि सफ़ेद जो चीज़ें हैं वो आँखों को अट्रैक्टिव करती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे जीवन में रंगों का अलग ही महत्व है, हर रंग की अपनी एक प्रकृति है लेकिन सफ़ेद का कोई जोड़ नहीं। रंगीन कपड़ों के बीच में सफ़ेद का लुक अलग ही दिखता है, यही वो कारण है कि जब आप होटल के कमरे में जाते हैं तो आपको बेडशीट उजला मिलता है। यह देखने में तो अच्छा लगता ही है, इतना ही नहीं सफ़ेद चादर सस्ती होती है और ये कपड़े भी मोटे होते हैं जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिविटी का प्रतीक है उजला। जब आप घूमकर बाहर से घर में आते हैं तो बस यही लगता है कि चैन से सोना है, ऐसे में आपको उजला कलर सुकून देता है, आपके मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है। इस दौरान आपके मन में एक सुकून के साथ खुशी का एहसास होता है। होटल के कमरों में जो बेडशीट होता है वो उजला होता है ताकि आप उसके पास जल्दी से जा सके, आसानी से पहुँच सके, बदबू फ्री होता है। मानसून का समय हो या फिर गर्मी का, एक से दो दिन के बाद आपका बेडशीट से बदबू आने लगती ही है। ऐसे में होटल में जिस बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्लोरीन में ब्लीच किया जाता है जिसके कारण बेडशीट की स्थिति ठीक रहती है और उसमें से स्मेल भी बाहर निकल जाता है। क्लोरीन से धोने से कपड़े की चमक बरकरार रहती है, यही वो कारण है कि होटल में सफ़ेद बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। साल 1990 के बाद से होटल में सफ़ेद चादर का चलन जो है वो शुरू हुआ था। कहते हैं इससे पहले होटल में रंगीन कलर की बेडशीट इस्तेमाल किया जाता था, यह होटल प्रबंधन के लिए काफ़ी आरामदेह था क्योंकि इसमें आप गंदगी को छुपा सकते थे, लेकिन बाद के दिनों में होटल में सुविधा और हाइजीनिक को लेकर एक रिसर्च हुआ जिसमें यह कहा गया कि होटल में कोई भी व्यक्ति आराम और सुकून के लिए आता है, ऐसे में आपके पास होटल की सफाई होनी बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी है, यानी कि इस बात को प्रमुखता से रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सबसे पहले बेडशीट में ही बदलाव किया गया और उजले कलर का बेडशीट सबसे ज़्यादा होटलों में अब इस्तेमाल होने लगा। तो अब तक अगर आप कहीं घूमने गए होंगे और अनायास आप कई कमरे का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसमें जिस तरह से आप उजले कलर का बेडशीट देखते होंगे, अब आपके दिमाग में यह बात कौन रहा होगा कि आखिर सारे रूम में उजले बेडशीट ही क्यों इस्तेमाल किए गए थे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।